Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum students. My name is Muhammad Farhan Khan Abbasi and you are watching Executive Coaching Center's online session. Students, aaj ka hamara jo lecture hai, ye bahut important hai. International relation mein historically bhi, mid 20th century mein bhi aur in contemporary affair, aaj ki 21st sadi mein bhi, hamare is topic ki badi importance hai. Topic hai बैलेंस ऑफ पावर. स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम डिटेल में टॉपिक को डिस्कस करें, हम अपनी आसानी के लिए इस टॉपिक के डिफरेंट सेगमेंट्स को अंडरस्टैंड कर लें. पहला सेगमेंट अगर आप देखेंगे तो इधर एक वर्ड है बैलेंस का और दूसरा सेगमेंट है पावर का. मैंने आपको एक लेक्चर है नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल पावर, इन दोनों लेक्चर्स में पावर के कॉन्सेप्ट्स के बारे में कुछ बेसिक डेफिनेशंस इन डेप्थ आपके साथ शेयर की थी. जब हम देखते हैं पावर के कॉन्सेप्ट को तो एक जनरल डेफिनेशन है द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स, चाहे वो आपका पैसा हो, चाहे वो आपकी पॉलिटिकल अथॉरिटी हो, चाहे वो आपका नॉलेज हो, चाहे वो आपकी रिसर्च हो, चाहे वो आपकी टेक्नोलॉजी हो, यानी जिस तरीके से भी आप किसी दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सकें. इन्फ्लुएंस करने का मतलब अपने मर्जी के नतीजे हासिल करने के लिए किसी दूसरी एंटिटी से अपने मकसद का काम करवा सके. तो अगर हम गौर से देखते हैं इस टर्म को तो बैलेंस का लफ्जी मतलब है तवाजन बरकरार रखना, बैलेंस कर देना, तवाजन. पावर, इसका मतलब कि जब कोई दूसरा ताकतवर आपके सामने आए तो आप उसकी पावर यानी कि उसकी एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स यानी उसकी एबिलिटी कि वो आपको इन्फ्लुएंस कर सके, उसको बैलेंस करते हैं एक अपनी एबिलिटी से, जिसको कहते हैं बैलेंस ऑफ पावर. ये टर्म बेसिकली नेशन स्टेट्स के लिए इस्तेमाल की जाती है. और नेशन स्टेट्स दूसरी नेशन स्टेट्स को बैलेंस क्यों करती है? वेरी सिंपल, हम रियलिज्म के पर्सपेक्टिव में, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में, न्यू रियलिज्म के परस्पेक्टिव में ये चीज़ें इन डेप्थ डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. क्योंकि दुनिया में हर एक स्टेट दूसरी स्टेट को डोमिनेट करने की कोशिश करती है. गो के दुनिया में देखा गया 18th, 19th और 20th सेंचुरी में कि इस पावर स्ट्रगल में ज़्यादातर वही अकवाम रही जो मेजरली सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर्स थी दुनिया की. 5-7 ममालिक का नाम ही आता है. और आज के दौर में, इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में भी आपको 4 या 5 बड़े मुल्कों के नाम नजर आते हैं जो इस पावर स्ट्रगल में है. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है ये भी बेसिक मेजर पावर्स की पॉलिटिक्स से रिलेटेड है. स्टूडेंट्स, सबसे पहले आज के अपने इस जो लेक्चर है इसका कॉन्टेंट देखते हैं. कॉन्टेंट हमारे लेक्चर का बड़ा सिंपल सा है. सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन है, डेफिनेशन है, मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं बैलेंस ऑफ पावर से रिलेटेड. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैलेंस ऑफ पावर को डिस्कस किया गया है. मेथड्स हैं जिन मेथड्स को अडॉप्ट करते हुए नेशंस दूसरी नेशंस को बैलेंस करती है या इंटरनेशनल सिस्टम में बैलेंस ऑफ पावर को प्ले किया जाता है. और उसके बाद एक आज के दौर का इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसको हम कहते हैं बैलेंस ऑफ टेरर, ये क्या है, इसको भी हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. और फिर पूरे के पूरे लेक्चर को कंक्लूजन में समाप्त करेंगे. तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्सेप्ट बैलेंस ऑफ पावर, ये है क्या. जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इंटरनेशनल रिलेशन में बैलेंस ऑफ पावर की जो इमर्जेंस है ये कोई बहुत पुरानी नहीं है. 19वीं, 18वीं, 20वीं सदी में ये कॉन्सेप्ट सामने आया और कॉमें एक दूसरे को बैलेंस करती थी, लेकिन मेजर स्टेक होल्डर्स की बात हो रही है. बैलेंस ऑफ पावर इनिशिएट कहां से हुआ? हम देखते हैं कि यूरोप के अंदर एक बड़ी जंग लड़ी गई 30 साल 1618 से लेकर 1648 तक, यानी 1648 तक. और इस जंग में जो मजहब की बुनियाद पर की गई थी पूरे के पूरे यूरोप को डिटीरियोरेट कर दिया. सोशो, पॉलिटिको, इकोनॉमिक डैमेज हो गया और कुछ मेजर स्टेट्स थी वो ही बच पाई. कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के दरमियान ये जंग 30 साल जारी रही और आखिर ये तय पाया कि एक ट्रीटी की जाएगी जिससे यूरोप के अंदर अमन लाया जाएगा. उसका नाम है ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया. जब ये ट्रीटी हुई
तो यूरोप के अंदर जो मेजर स्टेट्स थी या पूरे का पूरा जो यूरोप था ये छोटी छोटी स्टेट्स में डिवाइड कर दिया गया प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक रिलीजन की बेस पे, लोगों की आइडेंटिटी की बेस पे, लोगों की लैंग्वेज की बेस पे, लोगों के अपने पॉलिटिकल जो एस्पिरेशंस और आइडियोलॉजी थी उसकी बेस पे। जब ये डिवीजन हो गई तो बहुत सी छोटी रियासतें नेशन स्टेट्स इमर्ज करके 1648 में सामने आती हैं यूरोप के अंदर, और पहली दफ़ा बाउंड्री का कॉन्सेप्ट भी आता है, बॉर्डर्स का कॉन्सेप्ट भी आता है और नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट आता है, और जो नेशन स्टेट जो उस बाउंड्री में रहती है वो कितनी सॉवरन है ये कॉन्सेप्ट आता है कि वो अब अपने मामलात को खुद डील करेंगे। तो दुनिया में एक नया ट्रेंड भी सामने आता है कि जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये होती है कि जो न्यूली इमर्जिंग स्टेट्स हैं वो उनकी अलायंस में या उनके करीब आ जाएं ताकि उनके जो ओपोनेंट मेजर पावर्स हैं वो कमज़ोर हो जाएं। तो एक कॉन्सेप्ट इमर्ज करता है यूरोप के अंदर बैलेंस ऑफ पावर का, जिसमें बड़ी बड़ी रियासतें जो 4-5 रियासतें हैं वो बाकी रियासतों के साथ इकोनॉमिक और पॉलिटिकल अलायंस बनाती हैं, इसलिए कि अपने जैसी बड़ी किसी रियासत को वो बैलेंस कर सके या डोमिनेट कर सके। और दूसरी रियासत वो इस ट्रेंड को देखते हुए पहली रियासत जो कि बड़ी रियासत है और अलायंसेस में जा रही है उसको बैलेंस करने के लिए यूरोप के डिफरेंट रीजन्स और डिफरेंट स्टेट्स के साथ बैलेंस करते हैं। इस वक्त के साथ साथ ये ट्रेंड 18वीं 19वीं और 20वीं सदी में बहुत सरफेस किया गया, और 20वीं सदी में तो हम बैलेंस ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट्स को कोल्ड वॉर में भी देखते हैं कि बहुत सी स्टेट्स ने एक दूसरे को बैलेंस किया। जहाँ तक इसकी डेफिनेशन का ताल्लुक है तो सिडनी बी फे इसके बारे में कहते हैं, अ जस्ट इक्विलिब्रियम इन पावर अमंग द मेंबर्स ऑफ द फैमिली ऑफ नेशंस एज विल प्रिवेंट एनी वन ऑफ देम फ्रॉम बिकमिंग सफिशिएंटली स्ट्रांग टू इन्फोर्स इट्स विल अपॉन अदर्स। यही बात हम पहले कर चुके हैं कि ये एक बैलेंस है उन ताकतवर नेशंस के दरमियान 5, 6, 7, 8 जो पूरी की पूरी उस वक्त वर्ल्ड के अफेयर्स को मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं और डिसीजन ले रहे हैं। इस तरह के आप देखते हैं कि मल्टाईपोलर वर्ल्ड भी आपने देखा, बायपोलर वर्ल्ड भी देखा, आज यूनिपोलर वर्ल्ड है जो फिर मल्टाईपोलर वर्ल्ड की तरफ जा रहा है। तो इससे पहले जब ये बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट 17वीं, 18वीं, 19वीं, 20वीं सदी में आता है तो कुछ स्टेट्स ऐसी थी जो कि दुनिया के मेजर डिसीजंस को डील करती थी, चाहे पॉलिटिकल है चाहे इकोनॉमिक है। फिर कुछ और स्टेट्स उनके बराबर में आ गए, कुछ और स्टेट्स ने उनकी जो उस एनवायरनमेंट है जो हेजमोनिक मॉडल था उनका दुनिया में उसको चैलेंज किया। तो फिर क्या हुआ, एक बैलेंस का कॉन्सेप्ट आ गया कि एक स्टेट दूसरी स्टेट पे डोमिनेट ना हो सके और दुनिया में एक जस्ट इक्विलिब्रियम रहे, ऐसी बराबरी रहे कि जब दो बड़े भैंसे आपस में लड़ रहे हैं तो वो उनकी लड़ाई की वजह से दुनिया फिर किसी और जंग में न चला जाए, यानी उनको बैलेंस किया जाए। और वो बैलेंस कैसे होंगे, वो अपनी पॉलिटिकल इकोनॉमिक पावर के थ्रू होंगे जो वो नए अलायंसेस बाकी स्टेट्स के साथ बनाएंगे। एक और डेफिनेशन इसी जिम्र में देखते हैं, ये डेफिनेशन कहती है जे हैंस जे मॉर्गेंथो इसको कहते हैं, वो कहते हैं बैलेंस ऑफ पावर की जो टर्म है ये 4 डिफरेंट कंडीशन पे ही अप्लाई होती है, जैसे अ पॉलिसी एम्ड एट सर्टन स्टेट ऑफ अफेयर्स। सर्टन स्टेट ऑफ अफेयर्स को हम अगर देखें, इट शोज दैट एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, एक स्पेसिफिक सिचुएशन में द एक्चुअल स्टेट ऑफ अफेयर, यानी ऐसी सिचुएशन जिसमें जो पार है वो चैलेंज हो रही है, ऐसे सिचुएशन में जिसमें कोई एक डोमिनेंट पार किसी और पार को डोमिनेंट नहीं होने देना चाह रही। जिस तरह के आप देखते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले का जो यूरोप का है या बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का है, ये एक बैलेंस मेंटेन किया गया है और चंद बड़ी रियासतें ही इस बैलेंस को मेंटेन करती हैं। और अगर वो बैलेंस कहीं टूटता है तो फिर दुनिया में दोबारा जंग का खतरा होता है, क्योंकि एक जस्ट इक्विलिब्रियम नहीं रहता। इसके अलावा ट्रेडिशनली इट रेफर्स टू अ स्टेट ऑफ अफेयर्स इन विच नो स्टेट predominates over others। Obvious सी बात है, तारीखी तौर पे भी तो इसको ऐसे ही समझा जाता था कि कोई एक स्टेट दूसरी स्टेट पे डोमिनेट ना कर जाए, क्योंकि अगर वो डोमिनेट करेगी तो फिर वॉर की एक्सपेक्टेंसी बढ़ सकती है। प्रिस्क्रिप्टिवली इट रेफर्स टू अ पॉलिसी ऑफ प्रमोटिंग अ पावर इक्विलिब्रियम, यानी रियासतों के दरमियान इक्वालिटी रहे पावर की, ऑन द अजम्पशन दैट अनबैलेंस्ड पावर इज डेंजरस, जिसका हम जिक्र कर चुके,
कि जब दुनिया में अनबैलेंस्ड पावर होगी, कुछ मुल्क बहुत ताकतवर होंगे, कुछ बहुत वीक होंगे, तो फिर आपस में जंगों के खतरे होंगे। और अगर जो मेजर पावर्स हैं, जो दुनिया के डिसीजंस लेती हैं, उनमें एक मेजर पावर दूसरी मेजर पावर को चैलेंज करने के लिए जाती है, वो जो एग्जिस्टिंग मेजर पावर है वो जो इमर्जिंग मेजर पावर को बैलेंस नहीं कर पाती, तो फिर कहीं ना कहीं जंग की एक्सपेक्टेंसी फिर बढ़ जाती है या बढ़ सकती है। इसके जो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं, ऑल बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम हैव सर्टेन कंडीशंस इन कॉमन। फॉर एग्जांपल, अ मल्टीप्लिसिटी ऑफ सॉवरन स्टेट्स अनकंस्ट्रेंड बाय एनी लेजिटिमेट सेंट्रल अथॉरिटी। ये बड़ा टेक्निकल है कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ सॉवरन स्टेट्स होनी चाहिए। अगर एक ही स्टेट है और उसके सामने कोई और इमर्जिंग स्टेट नहीं आ रही, तो वो तो यूनिपोलर वर्ल्ड होगा। अगर एक से ज्यादा स्टेट है तो वो तो वर्ल्ड वैसे ही बायपोलर होगा। जब मल्टीप्लिसिटी ऑफ स्टेट्स होती है, एक से ज्यादा ताकतवर नेशन स्टेट सामने आती हैं और दुनिया के रिसोर्सेज को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करती है, तो तब हमारे सामने ये बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट इमर्ज करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हर बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम का हिस्सा रही, कॉन्टिन्यूस बट कंट्रोल्ड कॉम्पिटिशन ओवर स्केयर रिसोर्सेज और कंफ्लिक्टिंग वैल्यूज। यानी ये जो कंपटीशन है ये कंटिन्यूज रहेगा लेकिन कंट्रोल्ड रहेगा। अनकंट्रोल्ड कंपटीशन अगर हुआ तो फिर वॉर की तरफ जाएंगे। यानी एक स्टेट अगर दूसरी स्टेट को बैलेंस कर रही है तो किसी न किसी मिलिट्री, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल वे में वो कंट्रोल्ड वे में कर सकती है। अनकंट्रोल्ड होगी तो फिर वो डोमिनेट कर जाएगी, जिस तरह के थुकिडिडेस की पावर ट्रांजिशन थ्योरी है। और जब वो डोमिनेट कर जाएगी तो वो सिस्टम में सबसे ऊपर आएगी। जब वो ऊपर आएगी तो एग्जिस्टिंग पार जो पहले सिस्टम में ऊपर फर्स्ट पोजीशन पे मौजूद है उसके साथ उसका कॉन्फ्लिक्ट वॉर तक जा सकता है और दुनिया फिर एक नए जो वॉर का एक जो आप मलॉक कहते हैं, एक बहुत बड़ा एक ईवल है, उसका फिर कन्फ्रंट दुनिया को करना पड़े। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है एन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टेटस वेल्थ एंड पावर पोटेंशियल अमंग पोलिटिकल एक्टर्स दैट मेक अप द सिस्टम। अब इसमें यह नहीं होता कि कोई एक मुल्क दूसरे मुल्क के इकोनॉमिकली भी बराबर है, मिलिटरली भी बराबर है, स्ट्रेटेजिक पर कुछ चीजों में एक डोमिनेंट स्टेट, एक मेन स्टेक होल्डर पावरफुल है, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक पावर उसके पास है, तो जो उसका ओपोनेंट है उसके पास मिलिट्री पावर है, कोई और अगर तीसरा पार्टनर उसमें है तो उसके पास टेक्नोलॉजिकल पावर है, कुछ और है तो उसके पास स्ट्रेटेजिक या ज्योग्राफिकल ज्यादा फायदा है, कोई ऐसा है वो ऐसे रीजन में रहता है, उसकी रीजन की अलायंसेज ऐसी हैं जहां पर उसकी सपोर्ट बहुत ज्यादा है। तो ये जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ स्टेट्स है या जो मेजर स्टेट्स सामने आएंगी, जब वो एक दूसरे को बैलेंस करेंगी तो तमाम बैलेंसेस इकोनॉमिक, पॉलिटिकल या मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से सेम नहीं होंगे। किसी एक के पास एक स्ट्रेंथ है, किसी दूसरे के पास दूसरी स्ट्रेंथ है, वो डिफरेंट एरियाज में एक दूसरे को बैलेंस करेगी। इसी वजह से ये सिस्टम कंटिन्यूस रहेगा। बात की थी हमने थुकिडिडेस की पावर ट्रांजिशन थ्योरी की और बैलेंस ऑफ पावर की हम बात कर रहे हैं, तो याद रखिएगा थुकिडिडेस इज अ वेल नोन स्कॉलर 406 बीसी से 460 बीसी पेलोपोनेशियन वॉर के बारे में, जो ट्रेडिशनल रियलिज्म का कॉन्सेप्ट है, पावर ट्रांजिशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट है, बल्कि पावर ट्रांजिशन थ्योरी के कॉन्सेप्ट में तो थुकिडिडेस को फादर ऑफ पावर ट्रांजिशन थ्योरी भी कहा जाता है और फादर ऑफ रियलिज्म भी इनको कहा जाता है। थुकिडिडेस के जो पावर ट्रांजिशन थ्योरी है, अगर इसको गौर से देखा जाए तो इसमें एक बेसिक एसेंशियल चीज है जो कि बैलेंस ऑफ पावर की थ्योरी को निगेट करते हैं। थुकिडिडेस का कॉन्सेप्ट ये है पावर ट्रांजिशन थ्योरी में, दैट दे सी द इंटरनेशनल सिस्टम एज हायरार्किकली ऑर्डर्ड विद मोस्ट पावरफुल स्टेट डोमिनेटिंग द इंटरनेशनल सिस्टम, और जो रिमेनिंग स्टेट है वो उस डोमिनेशन के अंडर, यानी उसको सबसर्वियंट होंगी उसकी, और जो डोमिनेटेड स्टेट है उसको क्लासिफाइड किया जाता है सेटिस्फाइड स्टेट, और जिन स्टेट को डोमिनेट किया जा रहा है उनको क्लासिफाई किया जाता है एज ए डिससेटिस्फाइड स्टेट्स के। इसमें थुकिडिडेस पावर ट्रांजिशन थ्योरी में कहते क्या है, वो बेसिकली कहते ये हैं कि अगर स्टेट्स बैलेंस में हैं तो एक स्टेट दूसरी स्टेट को कभी ना कभी उस बैलेंस को तोड़ सकती है। वो जब उस स्टेट को दूसरी को डोमिनेट कर जाएगी या करने की कोशिश करेगी या उसकी अथॉरिटी को चैलेंज करेगी, तो उन दोनों में जंग होगी और एक स्टेट उस जंग को जीत सकती है या उस पावर कॉम्पिटिशन को जीत सकती है, और उसके बाद वो पूरे के पूरे सिस्टम को डोमिनेट करेगी और कई साल, कई दहाइयां भी, कई सेंचुरीज भी कर सकती हैं। जिस तरह के हमने पास्ट में ब्रिटिश का दौर देखा है, पुर्तगाली का दौर देखा है,
पुर्तगीज के दौर में देखा है, उसके अलावा फ्रेंच का दौर देखा है, तो उसमें एक मेन पार ही डोमिनेट करती थी, फिर वो ट्रांजिशन हो जाती थी, कोई और आता था वो उसको बैलेंस करता था और डोमिनेट कर जाता था, और फिर जंग होती थी। और थोसेडाइट्स जंग को इनएविटेबल इसलिए भी कहते हैं कि जंग लाजमी है, लेकिन ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट करते हैं बैलेंस ऑफ पावर थ्योरिस्ट से, क्योंकि बैलेंस ऑफ पावर थ्योरिस्ट का कॉन्सेप्ट ये है कि जब दुनिया में बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट रहेगा और मेजर स्टेट्स जो एक दूसरे को डोमिनेट करने की कॉम्पिटिशन में, जब वो बैलेंस करने के कॉम्पिटिशन में होंगी और वो बैलेंस मेंटेन रहेगा तो जंग नहीं होगी। बल्कि थोसेडाइट्स कहते हैं इसके मुखालिफ दूसरा कॉन्सेप्ट देते हैं, और उस कॉन्सेप्ट में वो कहते हैं कि जो वॉर है वो इनएविटेबल है और पावर ट्रांजिशन होके ही रहती है, और हिस्ट्री में हमने कई जगह पे देखा। बैलेंस ऑफ पावर थ्योरिस्ट आर्ग्यू दैट द इक्वालिटी ऑफ बैलेंस ऑफ पावर लीड्स टू पीस, पावर ट्रांजिशन थ्योरिस्ट क्लेम वॉर इज मोस्ट लाइकली और मोस्ट आप कह सकते हैं इनएविटेबल भी है। इसी तरह की जो इनइक्वालिटी है और इससे रिलेटेड दुनिया के अंदर जो इनसिक्योरिटी है, इसको देखते हुए भी बैलेंस ऑफ पावर का ट्रेंड आपको बहुत ज्यादा नजर आता है। और ग्रेट पावर्स को अगर आप देखें तो जब बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट दुनिया में सामने आता है तो ग्रेट पावर्स प्ले कैसे करती हैं? फॉर एग्जांपल, जब कोई ग्रेट पावर किसी दूसरी ग्रेट पावर के अगेंस्ट बैलेंस बनाती है, और जो ऐसी नेशन स्टेट्स हैं जो अंडर डेवलप्ड हैं, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वीक हैं, वो उसके साथ अलायंस बनाएगी ग्रेट पावर, किसी दूसरी ग्रेट पावर के अगेंस्ट। अब जो वो अलायंस बनाएगी तो वो जो इकोनॉमिकली डिपेंडेंट और पॉलिटिकली डिपेंडेंट स्टेट है, कुछ ना कुछ फायदे वो ग्रेट पावर उसको देगी, लेकिन इस बैलेंस ऑफ पावर के टेनोर में मैक्सिमम जो बेनिफिट्स हैं वो उस ग्रेट पावर को ही मिलते रहेंगे, वो उस जो डोमिनेंट न्यू अलायंस की जो छोटी स्टेट है उससे वो उसके नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करेगी, उसकी पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग वो कर सकती है, इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग वो कर सकती है। तो इस तनाजुर में जो बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है, जिसमें मेजर ग्रेट पावर्स अलायंसेस बनाती हैं वीक स्टेट्स को अपने साथ मिला के दूसरी मेजर ग्रेट पावर को बैलेंस करने के लिए, उसमें दो स्टेटसेस रहते हैं। जो ग्रेट पावर है वो ज्यादा बेनिफिट में रहती है उस अलायंस में भी, और दूसरी ग्रेट पावर को डिफेंड करते या उसको अपोज करने में भी दोनों तरफ फायदा इसका होता है। और दूसरी जानिब जो डिपेंडेंट स्टेट्स हैं वो किसी ना किसी तरह से इकोनॉमिक और पॉलिटिकल बेनिफिट्स हासिल करते हैं, लेकिन वो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल बेनिफिट बहुत मार्जिनलाइज्ड होते हैं, उससे उन डिपेंडेंट स्टेट्स को फायदा नहीं होता। बस उनका एक फायदा होता है कि उनकी जो इनसिक्योरिटी है वो कम हो जाती है किसी ग्रेट पावर के अलायंस में जाने के साथ। हम कुछ मेजर डिस्टिंक्शन भी देखेंगे कि बैलेंस ऑफ पावर के सिस्टम और बाकी सिस्टम्स में क्या मेजर डिस्टिंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल